Hey guys, क्या आपने हमें Instagram पे फॉलो नहीं किया? और क्या आपने हम लोग का डिस्कॉर्ड सर्वर भी नहीं ज्वाइन किया? आपने फिर तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। अरे हाँ भाई हाँ। वाह क्या बात है, आप लोगों ने तो एकदम कमाल ही कर दिया। अच्छा है ना Instagram पे फॉलो किया, ना डिस्कॉर्ड सर्वर भी नहीं ज्वाइन किया जहां हम लोग इतना फन करते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया। अच्छा है अच्छा है। और तो और भैया ये देखे ना, 56% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया। ओनली भैया 43% लोग ही ऐसे हमारे चैनल पर है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं भैया। ओ इस तरह तो बुरा लगता है ना, ये तो आप लोग भी जानते हो ना। है भैया छोड़िए ना। चलिए भैया नहीं करते तो क्या कर सकते हैं। चलिए भैया डाउटनेट ऐप के बारे में बताते हैं। गाइस डाउटनेट एक ऐसी ऐप है जिसमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मालूम हो तो बस उसकी फोटो क्लिक करना है और सिंपल सा उसको क्रॉप कर लेना है, और आपको 5 सेकंड के अंदर वीडियो सोल्यूशन उस क्वेश्चन का मिल जाएगा। और फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क हो, CBSE का हो, UP बिहार महाराष्ट्र चाहे जिसका भी हो, आपको इसका सवाल डाउटनेट ऐप मिल जाएगा। चाहे गाइस IIT मेंस एडवांस नीट और 6th to 12th क्लास का भी हो, कोई भी सवाल हो सब इसका जवाब आपको डाउटनेट ऐप मिल जाएगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, उसका आपको जवाब डाउटनेट ऐप मिल जाएगा। साथ ही गाइस यहाँ पर 9th to 12th के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम की लाइव क्लासेस चल रही हैं, यानी गाइस अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर, और 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल करिए। वाह क्या बात है, माइनक्राफ्ट में मौसम में आ चुका है बदलाव, बिल्लास और डॉगी निकल चुके हैं माइनक्राफ्ट के एक और बेहतरीन एडवेंचर में। अच्छा है। हे भैया वैसे आपने बताया नहीं कि आज हमें आप ले कहां जा रहे हैं। आओ जल्दी बताओ ना जैक। हे भैया क्या कर रहे हैं, ओए रुक जमना थोड़ा सा, ओए ये ले मार दिया। ए भैया आप बिना, मैंने भैया जितना पूछा आप उसको नहीं बता रहे, पता नहीं भैया आप बिना फालतू की चीजें करते रहते हैं। ओए मुन्ना और बाप तुझे भी मैं एक ऐसी जगह ले जाऊंगा कि तुम लोग तो वहाँ गए भी नहीं होगे। हे भैया ऐसी कौन सी जगह है माइनक्राफ्ट में। ओए मुन्ना आज हम एक डील तय करने जा रहे हैं। हे भैया आपने किस से डील फिर से तय कर ली। ए भैया आप बहुत ही खराब डील करते हैं। उस बार भी भैया आपने 5 डायमंड का एक घर खरीदा था, जो कि भैया मुझे तो लगा ही था वो घर में कुछ गड़बड़ है, और भैया बाद में उस घर में कार्टून कैट थी और भैया उन लोगों ने हमारी ठक ठिकी कर दी। ओए मुन्ना वो डील नहीं है, इस बार बहुत ही बेहतरीन डील है। नहीं भैया मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। ओए सुनेगा तो एक बार। है भैया मुझे कुछ सुनना ही नहीं। ओए सुन तो लेगा मुन्ना, मेरे भाई है ना तू। है भैया चलिए फिर ठीक है सुनाइए। आप तो भैया इमोशनल ही कर देते हैं। आओ जैक ऐसी कौन सी डील है जो तूने तय कर ली। ओए बॉब एक बार सुनेगा तो फिर बताता हूँ ना, तुम लोग तो सुनते ही नहीं कोई भी। हे भैया चलिए ठीक है बता दीजिए। ओए डील मुन्ना कुछ ऐसी है, हम लोग को एक रोबोट मिल रहा है वो भी माइनक्राफ्ट के अंदर, जो तबाही मचा सकता है, और फिर मुन्ना हम लोग कोई जीत भी नहीं सकता। हे भैया आपने रोबोट की डील डन कर ली। भैया माइनक्राफ्ट में रोबोट्स कौन बनाता है। ओए मुन्ना है एक विलेजर ही, बहुत टैलेंटेड विलेजर है, चल उससे मिलने चलते हैं, उससे डील तय कर कर आते हैं। ओए आओ जैक तू किस जगह में हम लोग को लेकर जा रहा है, चलते चलते सुबह हो गई और वो गांव अभी तक नहीं आवा, हिचके हो, मैं तेरी ठक टिक कर दूंगा। ओए बाप थोड़ा सा वेट तो कर, थोड़ा सा पेशेंस रखा जाता है। ये देख मुझे लगता है विलेज आ गया, ये रहा विलेजर। ओए विलेजर ये बता रोबोट बनाने वाला विलेजर कहाँ रहता है। ओए इग्नोर मार रहा है। ओए बता दे नहीं तोड़ दूंगा और फोड़ भी दूंगा। आओ जल्दी से बता दे रोबोट बनाने वाला विलेजर किधर है, हिचके आओ। ओए क्या रे बिल्ले यहाँ से सीधा जाना मिल जाएगा तुझे। ओए अब ये सीधा कहाँ चला जाएगा। हे भैया आपको मालूम होना चाहिए ना। ओए मुझे विलेज मालूम है, रुक जमुना इधर ही लोगों से पूछ ही लेते हैं। हे भैया इससे पूछे ना। हे ये बताओ यार। हे भैया ये क्या सब लोग यहाँ के भाव खा रहे हैं। ओए मुन्ना ये पूरा विलेज ही ऐसा है। ओए भाव मत खा बता दे। हे भैया वो देखिए ऊपर क्या है। ओए मुन्ना लगता है वही घर है, वो देख ऊपर एक रोबोट टाइप दिख रहा है। हे भैया इतना बड़ा रोबोट। ओए मुन्ना ये जायंट रोबोट है। हाँ भैया ये देखिए। ओए चल फिर उधर ही चलते हैं ना, शायद उधर ही मिल जाएगा हम लोग को। हाँ भैया इन लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है, बहुत भाव खाते हैं। आओ आगे यार जैक ये आवाज किसकी आ रही है, पता नहीं बहुत बेकार आवाज है, हिचके आओ। आवाज तो मुझे आ रही है, रुक जा घंटी बजा देता हूँ। हे भैया घंटी बजाने से क्या फायदा होगा। ओए मुन्ना मुझे भूख बहुत तेज लगी है, कुछ खाने की व्यवस्था पहले कर लेते हैं ना। हाँ भैया भूख तो मुझे भी लगी है। चलिए भैया। हे भैया ये देखिए हेवेल मिल गया है। चलिए भैया अब हम लोग इसमें से ब्रेड बना सकते हैं। आओ आगे हेवेल से कैसे ब्रेड बनाएगा, और ये है क्या, हिचके आओ। हे बॉब नहीं जानते क्या, इसे हेवल बोलते हैं। हे बॉब इतनी सर्वाइवल सीरीज में हमारे साथ रहे लेकिन हेवल ने नहीं जाना, तो किसको जाना।
ये बाप को कुछ पता भी नहीं रहता। आओगी और जैक पहले सुन लो मेरी बात, तुमने मुझे कभी खेती करने का मौका भी दिया है फिर भी हेवल वेवल पूछ रहे हो। हाँ भैया ये भी बात सही है, बाप तो भैया कभी खेती नहीं की। ये भी बात सही कही। चल आप जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और फिर जल्दी से ब्रेड निकालते हैं क्योंकि मुन्ना मुझे भूख बहुत तेज लगी है। हाँ भैया फिर रोबोट्स की डील भी तो डन करनी है ना। पता नहीं भैया इस बार कैसी डील होगी, कम से कम भैया हम लोग को कुछ घाटा वगैरह ना हो। क्योंकि भैया काफी हम लोग का चूना लग जाता है हम लोग के साथ। ओए मुन्ना इस बार चूना नहीं लगेगा, इस बार तो मुन्ना एकदम मजा आ जाएगा। हे भैया देखते हैं कितना मजा आता है। ओए रुक जा खाना खाने दे। ओए बाप तू भी खा ले। आओ मैं भी खा ही रहा हूँ, हिचके खा लिया और पेट भी भर गया हिचके हिचके। और तो पेट भर गया तो हिचके हो क्या करने की जरूरत है, चलो ऊपर चलते हैं सभी लोग। हाँ भैया चलिए चलते हैं। और भैया उससे रोबोट वगैरह देखते हैं और देखते हैं कैसी डील दे रहा है। और भैया रोबोट को भी देखना है ना, क्योंकि भैया रोबोट है तो खतरनाक तो होना ही चाहिए ना। ओए मुन्ना मैंने सुना है बहुत खतरनाक है ये। हे भैया आपको किसने सुना दिया? उधर एक विलेजर अपने घर की तरफ रहता है ना, उसने बताया था। हे भैया चलिए फिर ठीक है अंदर चलते हैं। ये क्या भैया आयरन का गेट इसने लगाया है। चलिए भैया अंदर चलते हैं। ओ ये रहा मुन्ना, ऐसी से डील करनी है। अबे तो अपनों ने लूटा, कैरो में कहा दम था, नाव मेरी डूबी जहाँ पानी कम था। ओ मुन्ना इसकी लगता है नाव डूब गई है। ओ ये बता बकवास मत कर, रोबोट की डील कर रहा था क्या तू? हाँ भैया पता नहीं इसको कौन सा दुख है, पता नहीं नाव वगैरह इसकी डूब गई है लग रहा है। ओ मुन्ना डील करता है। ओ ये बता डील वगैरह कर रहा है क्या? क्या रे बिल्ले रोबोट लेना है तो बता। ओ तो रोबोट ही लेने तो आया है, बताएगा तो पहले रोबोट के बारे में। तू जाके देख लेना, पहले मुझे डायमंड दे। ओए तो कितने डायमंड चाहिए? बिल्ली मुझे 10 डायमंड चाहिए और इस बॉक्स में है, उसे जो उठा लेना। ओए 10 तो नहीं है, 7 दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास 7 ही डायमंड है। चल ठीक है बिल्ली, जल्दी जल्दी इस बॉक्स में रख दे। ओए ये क्या मुन्ना? हे भैया मुझे बुलेट्स टाइप लग रही है। देखिए भैया कितनी सारी है। ओ तो ले लेते ना जल्दी से, इसने ही तो बोला है ले ले जितनी भी है। हाँ भैया चलिए ले लेते हैं। लेकिन भैया पहले पूछ तो लीजिए ना, पूरी लेनी है क्या? और पूरी ही लेंगे, मतलब 7 डायमंड दे रहे हैं। आओ ये बुलेट का लेकिन काम क्या है? हे भैया पूछे ना इससे। ओए अब इससे कुछ नहीं पूछना, अब रोबोट्स लेने चलते हैं डायरेक्ट। पूछ तो मुन्ना तुम उससे ले ले, क्योंकि अभी रोबोट तेरा भैया ही चलाएगा। ये देख राइड पे क्लिक कर दिया। हे भैया हम लोग कितनी ऊंचाई पर आ चुके हैं ना। ओए ऊंचाई पर नहीं, अभी तक तबाही मचाएंगे। हे भैया ये क्या चार्ज होने लगा रोबोट? ओए मुन्ना ये रोबोट कमाल का लग रहा है मुझे। हाँ भैया धोती फाड़ के और माल भी लग रहा है। लेकिन भैया काम कैसे करता है? ओए कैसे क्या काम तो कर रहा है ना, ये क्या है? ओ ये बुलेट कैसे यूज होती है? ये क्या भैया ये तो ब्लास्ट कर रहा है। ओए ब्लास्ट कहाँ कर रहा है, फिर से करेगा क्या? हाँ भैया मैं आपको दिखाता हूँ। ओए कैसे करा बताएगा तू? ये देखिए भैया, ये देखिए ब्लास्ट हो गया। वाह क्या बात है, बिल्ले ने विलेजर को उड़ा दिया, अच्छा है। आओ आओगी तूने तो डीलर को ही उड़ा दिया हिचके। हे भैया मुझसे गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ओए मुन्ना कोई बात नहीं, अब हम लोग का डायमंड तो ले लेंगे ना। हे भैया सचमुच मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ओए मुन्ना मुझे विश्वास हो गया तुझे, कोई बात नहीं, माफी मांगने की जरूरत ही नहीं, वो भी बहुत अकड़ दिखा रहा था, मर ही गया। हे भैया चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं ना। ओए रुक जा मुन्ना, ये विलेज वाले बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, रुक जा थोड़ा सा इनकी बैंड भी बजा लेते ना। हे भैया रहने दीजिए ना, क्या फायदा होगा। ओए मुन्ना ये विलेज मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, रुक जा थोड़ा सा चार्ज पड़ताल तो करने देना और इसको उड़ा भी लेने दे मुन्ना। हे भैया ये क्या आप तो हवा में उड़ रहे हैं? ओए हवा में तो उड़ रहा हूँ, रुक जा थोड़ा सा बैंड वगैरह बजा दे, कैसे काम करता है मुझे भी बताएगा। हे भैया कुछ नहीं बस ऐसे करना है। ओए रुक जा मुन्ना मैं भी सीखता हूँ, देखता हूँ कैसे करते हैं। हाँ भैया सीख लीजिए। आओगे इस जैक को सीखते सीखते यहाँ रात हो गई और हम लोग की बैंड भी बज रही है हिचके। ओए अब सीख गया हो ना, टेंशन मत ले, अब सबकी बैंड मैं बजा दूंगा। ओए हे भैया अपने पूरे गांव की बैंड बजा रखी है, अब कितनी बैंड बजाएंगे? और मुन्ना ये गांव वाले बहुत अकड़ दिखा रहे थे ना, रुक जा अभी सबको तोड़ता हूँ। ओए यार कहाँ चलेगा, आ जाओ आज तो मेरे ब्लास्ट से बच नहीं पाओगे। ओए देख मुन्ना ये बिजलियाँ भी कड़का रहा है। हाँ भैया रोबोट में दम तो है, कुछ भी भैया कहो। ओए मुन्ना इसीलिए तो डील की है, देख ओनली 7 डायमंड मिल गए, इतना मेगा जॉर्ज जैसा रोबोट मिल गया। हाँ भैया रोबोट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भैया हम लोग नीचे क्या कर रहे हैं? ओए मुन्ना रुक जा मैं सोने के लिए आया हूँ क्योंकि रात हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ भैया अब चलिए पहले सो ही लेते हैं ना। गुड नाइट भैया। ओए मुन्ना जल्दी उठ जा, रोबोट चलाना है। हे भैया आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? भैया आप रोबोट की वजह से उठ गए ना। ओए मुन्ना रोबोट थोड़ा चलाना है, रुक जा। ओ ये जॉम्बी कहाँ से आ रहा है, रुक जा रोबोट में चढ़ने दे। ओए कहाँ चला गया जॉम्बी, अब आ जा सामने बहुत हो। ओए ये मार कौन रहा है मुन्ना, ये जॉम्बी कितनी हिम्मत,
और ये गया कहाँ दिख भी नहीं रहा है भैया, वो नहीं दिखेगा क्योंकि भैया वो पिद्दी सा है तो कैसे दिखेगा ना। ओ ये भी बात सही कही, रुक जब मुन्ना और ब्लास्ट करने दो, वैसे मुन्ना बहुत कमाल का लग रहा है मुझे, और इसकी मुन्ना ब्लास्टिंग पावर कितनी बढ़िया है ना। हाँ भैया वो क्या है भैया सामने, और इसी के जैसे एक और रोबोट, और कितने रोबोट विलेजर ने बनाए थे। हाँ भैया मुझे लगता है बहुत सारे बनाए थे। भैया इधर तो इंडरमैन भी है, लगता है मुझे गुस्सा आ गया। और तो गुस्सा क्या क्या कर लेगा है भैया, उसने हम लोग को हिट किया। और रुक जा भी बैंड बजाता हूँ, हिट करने की इसकी हिम्मत हो गई। ये ले है भैया, आप अपने आप को ही मार रहे हैं। ओए अपने आप को ही लग रही है क्या। हाँ भैया आओ, ये कैसे चला रहा है तुम बॉम्ब आगे। हे बॉम्ब मैंने चला रहा, भैया चला रहे हैं। ओए ये कौन मार रहा है मुन्नौती देर से, ये देख सामने वाला तो मर गया। हे भैया ओनली रोबोट था, उसको मारने की क्या जरूरत थी, हम लोग उसको भी यूज कर सकते थे। और ये पहले इंडरमैन को देख लूँ, ये कहाँ पर उतनी देर से हम लोग को मार रहा है। हे भैया यही पर लग रहा है, ब्लास्ट कर दीजिए भैया इसको भी। ओए मुन्ना इसका मेरा दिमाग खराब हो रहा है, एक बार दिख तो जाए। ओए ये देख हम लोग कैसे लग रही है। हे भैया आप अपने ऊपर ही बम फोड़ रहे हैं। ओगी एक बात कहूँ क्या तुझसे। हाँ भाव बिल्कुल कहो। मुझे तो लगता है जैक का रोबोट चलाना ही नहीं आता, हिचकिया। ओए भाव मैं सुन रहा हूँ जो तो बोल रहा है, ओए मुझे आता है। ये इंडरमैन किधर है, रुक जा बहुत हो गया तेरा, ब्लास्ट कर दूंगा तुझे भी। ओए मुन्ना बुलेट्स कहाँ चली गई। हे भैया बुलेट्स आपने सब खा डाली। और बुलेट कैसे खा डाली है भैया, रात में आपने इतने ब्लास्ट किए हैं, पता नहीं भैया आपको क्या। और वो तो मैं सीख रहा था ना। हे भैया सीखते सीखते आपने कितनी बुलेट वेस्ट कर दी। हे भैया वो देखे एक और रोबोट है ऊपर, और फिर से आ गया क्या। हाँ भैया लगता है अभी ब्लेजर जिंदा है। और उसको तो मार दिया था ना हम लोगों ने। नहीं भैया मुझे लगता है जिंदा है। वो तो जिंदा होगा, फिर से आते हैं ना हम लोग। भैया ऊपर चढ़ने थे पहले, वो चढ़ जाना ऊपर, दिमाग क्यों खराब कर रहा है। हे भैया ये पता नहीं कैसा रोबोट है, मुझे तो भैया डील सही नहीं लग रही। और मुन्नत है भैया ने डील की है, एकदम सही परफेक्ट डील कर ली है। आओ लेकिन हम तेरी डील का भरोसा कैसे कर सकते हैं जैक, और तुझे करना हो करना, करना हो ना करना। हे भैया पता नहीं आप बिना, आप कहाँ जा रहे हैं भैया, उस नए रोबोट के लिए जा रहे हैं मुन्ना, टेंशन क्यों ले रहा है। लेकिन भैया इसको तो हमने ब्लास्ट ही कर दिया था ना, ऊपर कैसे चढ़ेंगे। ओए ये भी बवाल हो गया क्या, पता नहीं तूने इसको तोड़ क्यों दिया। ए भैया मैं टेस्टिंग कर रहा था, टूट गया। इसकी वजह से भैया अब मुझे डांट रहे हैं। और नहीं तुझे नहीं डांट रहा था, ऐसे ही था, चल इसमें ही मजे करते हैं और क्या कर सकते हैं। हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ ना, चलिए भैया इसी पे टेस्टिंग करते हैं, बढ़िया रोबोट है ये भी। और रोबोट तो बढ़िया लेकिन थोड़ा सा डैमेज हो चुका है भैया, बाप ही ने तो डैमेज किया ना। और रुक जा इसको उड़ाने दे, और निकल लो ब्लेजर। ए भैया आपने तो पूरे गांव की बैंड बजा दी है। ये देखिए भैया इसकी भी बैंड बजा ही दी, और ये गांव वाले बहुत भाव खा रहे थे ना उस समय। निकल लो सब लोग, बहुत मारूंगा। ओ यार बोलो कितनी हिम्मत, ये ले तुझे भी मार दूंगा, मुझे मारने आया था। आओ आयरन गोलम की तो ठक टिकी हो गई हिचका, और ठक टिकी तो हो नहीं थी इसकी, दिमाग खराब करके रख दिया था। हे भैया फिर से अपने ऊपर फोड़ लिया, और भैया आप तो का रोबोट चला भी गया। ये क्या भैया हम लोग भी मर गए। अच्छा है।